नगर नीमच सिटी क्षेत्र शहाबुद्दीन सरकार दरगाह जाने वाले मार्ग पर स्थित पुलिया के नजदीक नगर पालिका की पेयजल सप्लाई पाइपलाइन बीते कल फूट गई, जिसके चलते नीमच सिटी क्षेत्र में आज होने वाली पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। वहीं नगर पालिका द्वारा उक्त पाइपलाइन मरम्मत के साथ नई पाइपलाइन भी डालने का कार्य रविवार को प्रारंभ किया गया है। नगर पालिका के उपयंत्री ओपी परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच सिटी को पेयजल की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन शहाबुद्दीन बाबा दरगाह जाने वाले रोड स्थित पुलिया के नजदीक क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते पेयजल सप्लाई में बाधा उत्पन्न हुई है। इसी वजह से नीमच सिटी की पेयजल सप्लाई एक दिन आगे बढ़ा दी जाएगी और जिन क्षेत्रों में जल वितरण होना था वहाँ अगले दिन जल वितरण का कार्य किया जाएगा। इसी तरह जिन इलाकों में सोमवार को जल वितरण होना था वहाँ मंगलवार को जल वितरण किया जाएगा। जल्द ही व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी। हालांकि इससे नागरिकों को आंशिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तकनीकी कारणों की वजह से इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है। फिलहाल नगरपालिका कर्मचारी और टीम पूरी तरह से पाइपलाइन के कार्य में जुटी है। वहीं बारिश के दौरान हुई शहाबुद्दीन बाबा रोड स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया का प्रस्ताव पास होने के बाद उक्त स्थल पर निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जल्द ही नागरिकों को उक्त मार्ग पर पुलिया की सौगात मिलेगी।